आप सोच के देखो, आप एक गुफा के अंदर हो और एक ड्रैगन है आपका पीछा कर रहा है, एक ड्रैगन आग निकलने वाला, आग निकालने वाला ड्रैगन, और वो आपसे बातें भी कर सकता है, वो आपकी जो सांस की आवाज़ है वो भी आपकी आवाज़ सुन सकता है, महसूस कर सकता है आपकी फीलिंग्स को। बहुत ही भूल भुलैया टाइप का गुफा है, वो गुफा से अनजान नहीं है, बट आप अनजान हो उस गुफा से, कैसे निकलना है, कैसे आप इस्केप करोगे, तो इस टाइप की कुछ कहानी मैं आपके सामने इस बार लेके आया। नेटफ्लिक्स पर कल रिलीज की गई है एक मूवी जिसका नाम है डैमसेल, और इसमें मिली बॉबी ब्राउन लीड रोल में नजर आएंगी, जो आपको स्ट्रेंजर थिंग्स में एल के कैरेक्टर में दिखाई दी थी। तो कहानी शुरू होती है एक पास्ट से, मतलब पास्ट की कहानी है ये, राजा महाराजाओं के टाइम की कहानी है। मिली बॉबी ब्राउन 17-18 साल की रहती है, वो एक राज्य में एक राजा की बेटी रहती है, बहुत ही गरीब राज्य है। अचानक से उन्हें शादी का ऑफर आता है बहुत ही रईस खानदान से, बहुत रईस राज्य से एक शादी का ऑफर आता है। प्रपोजल बहुत अच्छा था, बहुत सारे पैसे भी मिल रहे थे, तो वो लोग जाते हैं शादी करने के लिए। बहुत सब कुछ मतलब ठीक चल रहा था, नॉर्मल दिखाया जाता है सब कुछ, बट एक अंदेशा भी नहीं था उन्हें मिली बॉबी ब्राउन की फैमिली को कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। तो ज़्यादा स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, बस थोड़ा सा बताता हूँ इस कहानी के बारे में, जिसके कारण आपको ये रोचक लग सकती है, देखने का मन करेगा आपको इस मूवी को। तो कहानी थोड़ी और पास्ट में जाती है, मतलब शुरुआत में दिखाई जाती है कि एक राजा हमला करने जाता है एक ड्रैगन पे, उड़ता हुआ ड्रैगन है, ड्रैगन को रिवील नहीं किया जाता है उसका जो कैसा दिखता है ड्रैगन। तो राजा असफल हो जाता है, उनके सैनिक मारे जाते हैं, और राजा एक सौदा करता है उस ड्रैगन से। उसी सौदे के कारण जो अभी हो रहा है, मिली बॉबी ब्राउन मतलब सालों के बाद उनकी शादी के बाद एक रिवाज है कि ब्लड मैच कराना है एक राजा के साथ, और फिर उसके बाद वो शाही खून हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि मिली बॉबी ब्राउन को नीचे फेंक दिया जाता है गहरे खाई में, जहां वो ड्रैगन रहता है। अब क्यों फेंका जाता है, क्या इसके पीछे राज है, वो सब तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट कुछ स्पेशल चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। जब उन्हें नीचे फेंका जाता है तो ड्रैगन से उनका सामना होता है, और वो कैसे बचती है और ड्रैगन से वो बच पाएंगी या नहीं, आग उगलता है ड्रैगन। बट जो इसका मेन, मैंने इस वीडियो को बनाया है इसलिए ये कहानी बताने के लिए नहीं, इसका मेन जो बैकग्राउंड स्कोर और जो थीम जैसे डिज़ाइन की गई है इस मूवी को, जैसा अपीयरेंस और सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है इस मूवी के अंदर, वो एकदम काबिले तारीफ है। बैकग्राउंड स्कोर तो इतना ज़बरदस्त है, मैं 5.1 ऑडियो के साथ सुन रहा था, देख रहा था इस मूवी को अपने प्रोजेक्टर पे। हालांकि अगर आप इसे कुछ बड़े स्क्रीन पे देखोगे अच्छे साउंड के साथ तो ही मज़ा आएगा इस मूवी का। मोबाइल पे अगर आप मोबाइल के स्पीकर में देख रहे हो तो ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट आपको नहीं आएगा शायद, बट अगर आपके पास मोबाइल ही अवेलेबल है तो आप प्लीज़ हेडफोन लगा के इसे देखिएगा अच्छे ऑडियो में। इसका जो साउंड इफेक्ट है, एक एक ड्रैगन का कदम रखने का आवाज़, उसके बोलने का आवाज़, हालांकि मैंने हिंदी डब में देखा, बट हिंदी डब का भी जो डबिंग है वो इतनी खूबसूरत तरीके से किया गया, ड्रैगन का जो आवाज़ है वो एकदम गूंजता है कानों में, ऐसा आपको फील कराएगा, ऐसा डर और थ्रिल का एहसास कराएगा शुरुआत से ही कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। बहुत ही अच्छी तरीके से बैकग्राउंड स्कोर इसका दिया गया है, जो भी आवाज़ है आग निकालने का, या फिर जो स्पेशल इफेक्ट्स VFX CGI जो भी है वो एकदम टॉप नॉच है। एक और प्लस पॉइंट है, रॉबिन राइट आपको दिखाई देंगी इस मूवी के अंदर। रॉबिन राइट वही है जो गेम ऑफ थ्रोन्स में मतलब एक अहम विलन का किरदार था उनका, तो रॉबिन राइट भी इसमें भी विलन का ही किरदार, मतलब रानी का किरदार है जो कि नेगेटिव रोल में है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप सब इस मूवी को एंजॉय करें, जो भी कुछ बनाया गया CGI VFX साउंड इफेक्ट एकदम कमाल का है। स्टोरी में भी दम है, स्टोरी ऐसा नहीं कि बहुत ही नॉर्मल सी है, एक अच्छे पहलू पे एक अच्छा टर्न मारेगी, एक ट्विस्ट मारेगी एक स्टोरी ये। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो मूवीज़ को लेके कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, या इसके IMDb रेटिंग बहुत अच्छी है फिर भी लोग इसे बकवास कर रहे हैं, तो ये मूवी देखने लायक है या नहीं बॉलीवुड हॉलीवुड, तो आप मेरी एक लेटेस्ट वीडियो में आप एक कमेंट पोस्ट कर सकते हो कि ये मूवी के बारे में क्या राय है। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।